हे YouTube फैमिली, कैसे हो सभी? क्या आप सब मुझे जानते हो? नहीं जानते? कोई बात नहीं, जान जाओगे। चलो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम अदिति नेगी है, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से बिलोंग करती हूँ और डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल में रहती हूँ। अभी मेरी स्टडी चली है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, प्लस साथ साथ में आई एम अ इन्फ्लुएंसर एंड इंस्टाग्राम पर ये मेरा पेज है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, देखना यहाँ होगा या यहाँ होगा, आई डोंट नो। अभी मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब का, तो एडिटिंग करूंगी ना, मुझे उस टाइम पता चलेगा, ठीक है? तो थोड़ी बहुत गलती चलती हो गई होगी तो माफ कर देना। यू नो गाइस, मुझे ना वीडियोस बनाने का बहुत शौक है, मुझे कैमरे से इतना ज्यादा प्यार है ना कि मैं, मतलब अगर मुझे कैमरे के साथ पूरा दिन दे दो ना तो मैं आराम से निकाल दूंगी। तो मैंने सोचा चलो यार, इंस्टाग्राम पे तो हम कभी ना कभी स्टोरीज में लाइव में कुछ ना कुछ बनाते हुए डालते रहते हैं, तो सब लोग यूट्यूब पे आ गए तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी आ जाए। तो या गाइज, मैं आ गई हूँ YouTube पे आप सभी का मनोरंजन करने के लिए एंड आई होप कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आएगी। मैंने Instagram पर स्टोरी पर Q&A में डाला भी था कि लाइक मैं किस तरह के वीडियोस बनाऊँ, आप लोग क्या चाहते हो, YouTube पे कैसा कंटेंट लेके आऊँ। तो बहुत सारे लोगों ने बोला लाइक व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, लाइक किसी ने बोला क्वेश्चन आंसर वाला गेम खेल दो, किसी ने बोला कुछ डिफरेंट, मतलब बहुत सारे आ गए थे मुझे आंसर्स। तो मैंने सोचा चलो यार, स्टार्टिंग हम व्लॉगिंग से करते हैं। यू नो, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, आई एम डैम श्योर हिमाचल है, पहाड़ी एरिया है, तो आप लोग भी देखना जरूर पसंद करेंगे। तो व्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो मैंने सोचा क्यों ना हिमाचल का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो सबसे पहले राजधानी से स्टार्ट किया जाए। तो आज गाइज मैं आप लोगों को घुमाऊंगी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तो अभी फिलहाल राइट नाउ मैं और मेरी फ्रेंड सोलन में मेरे रूम पर बैठे हुए हैं, और ये है मेरी फ्रेंड नेहा नेगी। सो हम दोनों अभी जा रहे हैं शिमला, और आप लोग ऐसा आधा मुंह मत दिखाओ यार, कट। सो ये है मेरी फ्रेंड नेहा नेगी। हाय गाइस, इतना बड़ा मुंह नहीं खोलना था, मच्छर घुस जाएगा। गजब बेइज्जती है। ये हम जोक में डालेंगे, ठीक है? थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने को, इसका मजाक भी बनाना पड़ेगा बीच में से। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हम दोनों जा रहे हैं अभी शिमला, एंड आप लोगों को दिखाएंगे सोलन से शिमला तक का सफर, बाकी हम रिज पे जाएंगे, और इसके अलावा एक और एक जगह हमने विजिट करना है, उसके बारे में मैं आप लोगों को शिमला पहुंच कर बताऊंगी, ठीक है? तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और आप लोगों को ले चलते हैं शिमला की ओर। सी यू सून गाइस। या सी यू सून। सी यू गाइस, हम निकल चुके हैं शिमला की ओर, एंड मैं तो जैकेट पहन के हूं भाई, शिमला में बहुत ठंड होती है। मेरे पास भी है, मैं ये पहन नहीं रही, इसको फैशन जरूरी है, लड़की को ठंड नहीं देखेगी ये, फैशन देखेगी। सो गाइस, अभी है हम सोलन ओल्ड बस स्टैंड में, एंड ये लड़की परेशान हो गई है, इसे शिमला के लिए बस नहीं दिखती। मैंने इसे बोला भी कि न्यू बस स्टैंड से मिलती, लेकिन लड़की ये लो एक्सीडेंट होते हुए और ये यहाँ पे बच गई। चलो अब हम यहाँ से ऑटो लेंगे, ऑटो में यहाँ से चंबाघाट तक जाएंगे एंड फिर वहां से हम बस लेंगे शिमला के लिए। चलो ऑटो ऑटो ऑटो। ये लड़की ना बस के लिए दौड़ रही है और बस चली गई। लोल, क्या क्या मिला, क्या मैराथन में जाना है आपने? चली गई हमारी बस। ये अभी हम चंबाघाट में, फाइनली शिमला की बस हमें मिल गई और अब हम जा रहे हैं इस बस में, देखते हैं सीट मिलती है कि नहीं, और इसमें नहीं यार फिर दूसरे में चलेंगे। तो गाइस, जितने भी माँ बाप मेरी ये ब्लॉग देख रहे हैं, मैं उन सबको आगाह करना चाहूँगी कि आप सभी नेहा नेगी से अपने बच्चों को दूर रखें। रीज़न अभी बताती हूँ। बच्चा चोर करने वाली है, चोरी किडनैपर, देख रहे हो आप लोग, ये इस तरीके से बच्चों को बहला फुसला कर उन बच्चों को लेकर जाती है, चोरी करती है। मेरा नाम है बच्चा चोर। चुके हैं ओल्ड बस स्टैंड शिमला, एंड हमारे बस वाले ने हमें धक्के मार के यहाँ पे उतार दिया है, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे रिज की, और सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं, ठीक है?
सो अभी ये ओल्ड बस स्टैंड है शिमला का, एंड यहाँ पर अगर आप पहुँचते हो तो रिज जाने का रास्ता यहाँ से है। यहाँ से आप ऊपर चढ़ोगे, ये पुल से जाओगे और यहाँ से फिर हम दिखाते हैं। ओके लेट्स गो। क्या बेच रहे हो? तो गाइस कभी भी अगर आप आओ शिमला तो फ्रूट्स वाले भैया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरिफ है। आरिफ, आरिफ जी इनके पास से लेने आ जाना, ठीक है? ओके बाय। नहीं नहीं व्लॉग बना रही हूँ ना। लाइक शेयर कमेंट्स करना। हाँ थैंक यू बाय। चलो राम बाजार। जब आप ओल्ड बस स्टैंड से ऊपर उतरोगे तो सबसे पहले राम बाजार आता है, तो यहाँ से हम ऊपर से जाएंगे ब्रिज की ओर, ठीक है? सो देखिए तरह तरह के लोग बाजार में आनंद उठाते हुए तरह तरह के सामान खरीदते हुए। यहाँ पर आपको आई थिंक हर तरह के जो भी आप खरीदना चाहते हो हर तरह का शॉप होगा, क्यों? चढ़ाई चलना जो पड़ता है। बट अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है शिमला। मजे की बात है क्या ये सीढ़ी है, फिर ऊपर पहुंच कर आप व्यू देखोगे ना फिर ये थकान भूल जाओगे। आओ आपको ले चलते हैं। सो हम पहुंच गए सीधा मॉल रोड शिमला। देख रहे हो कितनी एक्साइटेड है ये, अमेजिंग व्यू। सांस फूल गया, आप लोग सोच सकते हो कि मुझे कितना थकावट महसूस हो रही है। क्या कहा आपने? यस जोर से बोलो जय माता दी। चलने का था ना, थक के बैंड बज चुकी है, बट फाइनली हम रिज पे पहुंच गए एंड रिज पे आ ही गए। सब लोग फोटोज खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो चलो हम भी बनाते हैं, फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं। ओके बाकी दिखाते हैं बाद में। बाय। पुलिस वाली मैडम ने ना मुझे बहुत झटका दिया, इसने मुझे ना 500 का चालान काटने की धमकी दी है। ऐसा है ना, मेरे दादू भी पुलिस में, बोल दूंगी मैं उनको। हाँ अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली क्यों जा रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ थोड़ी देर में, तब तक आप लोग शिमला की वादियों का लुत्फ उठाओ। तो अब आप लोगों को हम बता देते हैं कि हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं। दिल्ली जाने का रीजन ये है कि वहां पर नेगीज का फंक्शन है, जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं शिमला कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मतलब एक ना साल में हमारा एक वेलकम गेट टुगेदर होता है
मतलब आपस में तालमेल बना रहे, लोग मतलब यूनिटी रहे, इसलिए ठीक है। तो उसके लिए जो है ये लोग लाइक अब जैसे सोलन कॉलेज वाले हैं उनको भी बुलाएंगे, जितने भी किन्नौर के बच्चे हैं, शिमला कॉलेज, रामपुर कॉलेज के, दिल्ली से, तो सारी जगह से पैनल वालों को और बच्चों को बुलाते हैं। तो फिर हम भी वहाँ पर अटेंड करने जा रहे हैं, वहाँ पर डांस होगा, म्यूज़िक होगा, अदर एक्टिविटीज़ तो अभी हो गई होगी, बस अब डांस, जो डांस वाला जो मेन फ्री डांस होता है रात के टाइम पर, वो हम अटेंड करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को हम दिखाएंगे, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि दिल्ली तो हमें जाना है एंड वो वेन्यू है ट्रैवल भवन में, राइट, बट हमें पता नहीं है वो जाने का रास्ता कहाँ से है, तो अभी देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। कुछ कहना है? See you soon. See you soon. तो अभी हम ब्रिज से नीचे जा रहे हैं और ये मॉल रोड है सामने, बाकी इस चौक का नाम मुझे भी नहीं पता, और चलो रास्ता ढूंढते हुए चलते हैं दिल्ली की ओर। आई थिंक ना हमें ना लक्कड़ बाजार जाना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया कि हमें नहीं पता कि हमें दिल्ली कहाँ से जाना है, तो मैं जिस तुक्का लगा के बोल रही हूँ इसको कि हमें लगता है कि लक्कड़ बाजार जाना चाहिए। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? वहाँ से हम बस लेंगे। लक्कड़ बाजार का है वो भी नहीं पता, लोल आए क्यों हम। चलो हम पता करते हैं दिल्ली जाने का रास्ता। कोविड ने बहुत लगा रखी है कसम से, मास्क पहनो, मास्क पहनना पड़ेगा, मुझे तो जुखाम भी है, पर किसी को कहना मत। हाँ तो क्या हुआ कि हम जा रहे थे लक्कड़ बाजार की और, बंदर है भगवान, ठीक है, हाँ लक्कड़ बाजार की ओर जा रहे थे बच्चे, अभी हमने कॉल करके पता किया, तो हमें लक्कड़ बाजार की ओर नहीं जाना है, हमें जाना है संजौली, तो हम जाएंगे संजौली, वहाँ से जाएंगे सामने आगे टनल के पास, टनल से आगे जाके यार मंदिर प्रशन करें बेटे। आपके फोन छीन लेंगे प्लीज। अरे फोन नहीं छीनेगा, चुपका। सो कभी भी शिमला हो तो बंदरों से सावधान। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हम जा रहे थे लक्कड़ बाजार की ओर, बट हमें पता चला है कि दिल्ली जाने के लिए हमें सबसे पहले संजौली जाना पड़ेगा, संजौली से आगे हमें टनल जाना है, टनल से आगे होते हुए पेट्रोल पम्प एंड देन उसके बाद ट्रैवल भवन आएगा जहाँ पर फंक्शन है, तो ऐसे करके हम जाएंगे, बट उससे पहले पेट पूजा ज़रूरी है यार, तो मास्क ऊपर। नेहा नेगी को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, अत्यंत वाला अत्यंत, तो चलो कुछ खाते हैं। अभी ना मैं आप लोगों को शिमला की सबसे बेस्ट मोमोज खिलाने जाऊंगी जहाँ पर मिलते हैं, क्विक तंदूरी मोमोज, ठीक है। तो उसका जाने का रास्ता यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पहले। जब आप यहाँ पहुँचते हो तो ये पुलिस असिस्टेंस लिखा हुआ है, ये सामने प्यारी सी बिल्डिंग एंड इसके सीधा सामने से ये देखो नेहा नेगी जा रही है, इस रास्ते से आपने यहाँ से नीचे जाना है एंड ये सामने प्यारा सा क्विक तंदूरी मोमोज, तो यहाँ पर आओ। सो अभी हम क्विक तंदूरी मोमोज के सामने खड़े हैं एंड अंदर अभी हम जाते हैं, इनको पता नहीं है कि मैं शिमला आई हूँ, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, तो चलो इनके पास जाते हैं। गजब बेइज्जती है। सो अभी हम पहुंच गए हैं तंदूरी मोमोज एंड यहाँ के जो ओनर है पुनीत गर्ग, उनको मैंने कॉल करके बुला दिया है, वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मॉल रोड गए हैं, तो उनको वेट कर रहे हैं, आते हैं और उनको सरप्राइज देते हैं। अब हमको जाना है संजौली पहले, बहुत ठंड है और सबसे पहले संजौली जाएंगे, दूर है कोई नहीं, पैदल पैदल
चल पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शिमला पहुँचोगे तो चलने का बहुत है भीड़, और अगर आप अपनी गाड़ी भी लेके आते हो ना तो पार्किंग का बहुत आपको लफड़ा पड़ेगा यहाँ पे, एंड चलना तो आपको पड़ेगा बॉस। तो या बाकी चलो इवनिंग वॉक हो जाएगी। सो ओके, सो रात हो चुकी है एंड देखो रात के वक्त ऋतु जो है कितना प्यारा लगता है। एंड ऊपर अगर आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पर जाखू टेम्पल है, हनुमान जी का टेम्पल, तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हो। अभी फिलहाल हम जा नहीं रहे वहाँ, अभी हमें जो है ट्रैवल भवन जाना है फंक्शन अटेंड करने। सो ये हम पहुंचे अभी संजौली चौक, एंड यहाँ से हमें सीधा आगे जाना है और एक टनल आता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है। गली टनल है, मुंह झोड़ना है यार। ठीक है जो भी टनल है मुझे नहीं पता, उस टनल से अंदर होते हमें जाना है, देन पेट्रोल पंप आएगा, उसके आगे ट्रैवल भवन है, वहाँ पर हमें फंक्शन पे जाना है, जाना है, जाना है। चलो पहुंच चुके हैं टनल के पास, एंड अब हम यहाँ से जाएंगे ट्रैवल भवन की ओर। पर भेजू किसके घर। यू नो मजे की बात बताऊं आप सबको, हम टनल के अंदर तो आ गए, हमें ये भी पता है कि टनल क्रॉस करके हमें आगे जाना है, वहाँ से आगे ही कहीं ट्रैवल भवन है, बट हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि कहाँ है, तो अब हम ढूंढेंगे। एंड रात बहुत हो चुकी है और पता नहीं कैसे पहुँचेंगे, और ठंड पता है कितनी है भाई साहब, हाथ उठ पूरे जाम हो चुके हैं। तो गाइस मुझे तो आगे का रास्ता नहीं पता, लेकिन मैं अपने साथ लोकल गाइड लेके आई हूँ, मैं स्नेहा नेगी, जिसको कुछ खुद नहीं पता कुछ तो मैं इसके भरोसे चल रही हूँ, अब देखते हैं ये कहाँ पहुँचाती है हमें। नेहा जी मेरा सुनिए तो, अक्षय भैया हम पहुँच गए हैं ट्रैवल भवन, एंड ये है हमारे साथ निकी बोरे, बोरे हाय। हेलो, हम पहुंच गए, चले फिर नीचे यूट्यूब में आएंगे हम। तो यहाँ से अंदर जाना है, फंक्शन अंदर है, चले।
गाइज अभी 10:30 बज चुके हैं एंड फंक्शन ख़त्म हो गया है और अब हम जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड है गांव की अनीशा, तो उसके रूम जा रहे हैं, उसका रूम संजौली में, एंड यू नो जितना हम पैदल आए थे, अरे भाई 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 जितना हम पैदल अरे आए थे उतना ही वापस हमें जाना है और संजौली चौक से फिर वहाँ से नीचे हम रूम पहुँच गए। और कोई सोई थी तो फाइनली हम रूम पहुंच गए। अभी थक गई हूँ तो थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। तो हम पहुंच गए हैं शिमला मेरी फ्रेंड के रूम में एंड ये मेरी फ्रेंड अनीशा। हाय, ये मेरे लिए खाना बना रही है। अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं दिखा सकती। बाकी का ब्लॉग देखने के लिए सुबह का वेट करना, जब मैं सो के उठूँ और उसके बाद वापस सोलन कैसे हम पहुँचते, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइज, ये था हमारा सोलन टू शिमला का व्लॉग पार्ट 1। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो सॉरी यार, अभी मेरा ये फर्स्ट ट्राई था, बट आगे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर लेकर आऊंगी। पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, तब तक के लिए आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड या हैप्पी न्यू ईयर।